तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके आप लोगों के पास। आज मैं एक जगह पे आया हूँ जहाँ पे मैं एक देसी मुर्गा काट के बना के खाऊंगा, भूज के खाने वाला हूँ मैं और मेरे साथी है और कुछ मेरे भाई लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, उन लोगों के पास आया हूँ गाँव में, देखते हैं कैसा होता है। अरे दोस्तों, यही है आज का टारगेट, ठीक है? ये है आज बलि का बकरा, सॉरी इसको काट के आज खाना पड़ेगा। उनका यहाँ पे गर्म पानी हो रहा है, इसको आज मैं बम्बू मटन बनाने के लिए ये बम्बू का प्रयोग कर रहा हूँ। देख पा रहे दोस्तों, अभी हम लोग चिकन, बम्बू चिकन बनाने के लिए हम लोग अपना सामग्री जुटा लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बम्बू है, चिकन है, मसाला है, नमक मसाला, ये सब अभी हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कढ़ाई पे चढ़ा के चूल्हा पे डाल के हम लोग अपना कागज में
हेलो दोस्तों, अभी हम लोग का बाम्बू चिकन का प्रोसेस हम लोग का हो गया है। आप लोग देख सकते हैं अभी बाम्बू चिकन बन रहा है। आ गया, ये देखिए बाम्बू चिकन देख पा रहे हैं। बाम्बू चिकन आज पहली बार मैंने ट्राई किया हूँ अपनी नरम नरम हाथों से, और इधर एक तरफ और एक चूल्हा में बन रहा है वही चिकन, चिकन मसाला। ये है चकुलिया का बांस, ठीक है, चकुलिया है बंगाल में, बंगाल का बांस, इसलिए होटल है बंगाली बाम्बू होटल, बंगाली बाम्बू होटल का स्पेशल बाम्बू चिकन। और इसका खासियत ये है कि ये बांस ये चकुलिया से आता है। ये चकुलिया का बांस इतना फेमस है कि इसमें चिकन बना के इतना स्वादिष्ट बनता है चिकन के इसको खाते ही आदमी मुँह चटकाते रहे। दोस्तों अभी मैं देखना चाहता हूँ इसमें कैसा क्या इसमें रंग रूप निकलता है, देखता हूँ। आइए